हाय फ्रेंड्स, मैं आर्यन हुसैन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पेट दीवानगी में। आज का जो मेरा वीडियो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो ये है कि आज मैं आपको सासर हाट का पार्ट वन वीडियो बनाया हूं। तो यहां पे मैं आपको गाइड करूंगा तोपसिया से लेके सासर हाट का हर वो रास्ता। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं 4 नंबर ब्रिज से उतर कर सीधा स्ट्रेट जा रहा हूँ और मैं तोपसिया मोड़ पहुँचने ही वाला हूँ और बस पे तोपसिया मोड़ पहुँच चुका हूँ। यहाँ से हम लोग राइट लेंगे, ठीक है। राइट लेकर जो रास्ता आएगा वो आपका, आपको मैं आगे चलकर दिखाता हूँ। राइट लेने के बाद एक ये पोजीशन आएगा जहाँ दो रास्ता है। यहाँ पे हम लोग को लेफ्ट वाला रास्ता दाता बाबा की तरफ से निकलना है, ये देखें। अब हम लोग बसंती हाईवे के वाला रास्ता में आ चुके हैं। थोड़ा आगे आप बसंती हाईवे शुरू हो जाएगा, ये गुफा आता है, याद रखिएगा। ये सब आपका एक पॉइंट है जो आप समझें, ये आपका बसंती हाईवे शुरू हो गया। अब हम लोग यहाँ से एकदम सीधा चलते चले जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रास्ता कुछ इस तरीका का है और यहाँ पे हम लोग अब बांधतल्ला के पास में आ चुके हैं। बांधतल्ला यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग जानते होंगे कि ये पोजीशन में मुर्गियों का हाट लगता है, ये बांधतल्ला हाट है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ का आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इस पूरे रास्ते में सिर्फ एक ही पेट्रोल पम्प पड़ेगा। तो अगर आप बाइक लेकर आ रहे हैं तो पेट्रोल ज़रूर भरा लें वहाँ से। तो हम लोग अभी पेट्रोल पंप की तरफ में जा रहे हैं, मैं आपको पेट्रोल पंप दिखाता हूँ। ये देखिए, हम लोग पेट्रोल पंप के पास आ गए हैं और यही एक पेट्रोल पंप है जो पूरे रास्ते में पड़ता है। तो आप लोगों से मैं पहले बोल दे रहा हूँ, अगर आप लोग बाइक में पेट्रोल कम है तो यहाँ से पेट्रोल भरा लें, क्योंकि इसके बाद और कोई पेट्रोल पंप नहीं है। बेकार आप लोग फंस जाएंगे, फिर कोई आपकी मदद करने वाला नहीं रहेगा। इसलिए बेहतर है कि यहाँ से पेट्रोल ले लें, उसके बाद फिर चले। अब हम लोग देखें फ्रेंड्स, हम लोग बोजरहाट वाले रास्ते की तरफ में आ गए हैं और सामने बोजरहाट मोड़ है। अब ये जो सिग्नल है, यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखें, ये वाला सिग्नल के पास में एक मिठाई की दुकान है। यहाँ से ये वाला जो रास्ता जा रहा है आपका ग्वालबाड़ी की तरफ में जा रहा है, लेकिन अभी हम लोग को सासरहाट जाना है तो हम लोग सीधा जाएंगे पगला हाट वाला रास्ता होते हुए। ये अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं, तो ये अभी रास्ता आपका आगे आकर पगला हाट आएगा और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पगला हाट को क्रॉस करके हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब लगभग रास्ते में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जानवर लोग बिक्री कर ही रहे हैं। यहाँ पे आप जब जाएंगे सासरहाट तो आप लोग को बहुत सारे ऐसे रास्ते में जानवर बिक्री करते हुए मिलेंगे। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यहीं से भी ख़रीद लें या फिर आप लोग आकर हाट से ख़रीद लें। देखें यहाँ पे भी कस्टमर्स लोग बहुत सारे हैं, जो रास्ते में चलते चलते जिसको जो जानवर पसंद आ गया वो वहीं रुककर बात करना शुरू कर दे रहे हैं। तो लेकिन ये सासरहाट नहीं है, सासरहाट अभी आगे है। वीडियो के साथ बने रहे, आपको मैं सासरहाट ज़रूर ले जाऊंगा और हम वहीं जा रहे हैं। आज का मेरा वीडियो यही टॉपिक में है कि आज आप लोगों को मैं सासरहाट दिखाऊँगा, वहाँ क्या दाम चल रहा है सब आपको बताऊँगा। यहाँ देखें, ये रास्ते को आप लोग एकदम सीधा चलते चले जाएँ, कोई राइट टर्न लेफ्ट टर्न नहीं है, एकदम सीधा चलते चले। ये देखें फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे एक ब्रिज के पास में आ गए हैं छोटा सा। ये ब्रिज क्रॉस करते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अभी बढ़ते ही रहेंगे आगे। और ये जो आपका बायां साइड दायां साइड से जो रास्ता जा रहा है, ये तालदीप की तरफ रास्ता चला जा रहा है। तो हम लोग को तालदीप नहीं जाना है, अभी हम लोग को जाना है सासरहाट। यहाँ देखें, कुछ लोग अपने अपने जानवर को बाहर निकाल कर बिक्री कर ही रहे हैं। जिनके पास एक दो जानवर रहते हैं वो रास्ते में लाकर खड़े कर देते हैं, क्योंकि कस्टमर लोग यहाँ से आना जाना करते रहते हैं। यहाँ पे हम दाम पूछे हैं कि इसका क्या दाम बोल रहे हैं ये। इस जानवर का इस भाई ने हमें 55 बताया है, 55 हज़ार। जानवर भारी है लेकिन मुझे जो बताया जा रहा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। कम शम करना, क्या करना नहीं करना, वो आपका काम है। यहाँ पर आके मैं जानवर दिखा रहा हूँ और उसका क्या प्राइस बोल रहा है वो बता रहा हूँ आपको। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे जानवर हैं यहाँ पे। इसका उन्होंने 30 बताया है और वो लाल वाला का भी 30 बताया है, दोनों जानवर 30 का है। देखें, ये भी 30 का जानवर है और वो वाइट वाला भी 30 का जानवर था। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कैसे जानवर है यहाँ पे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़बरदस्त बैल है, बहुत ही ऊंचे कद का बैल था।
यहाँ पे एक गाय भी है, और ये वाला ब्राउन वाला गाय का मैं पूछ रहा हूँ। देखिए ये भी 30,000 इसका बता रहा है, इसको उन्होंने 30,000 मुझे बताया है। और ये वाला जो बैल है ये 95 बोल रहा है उसका। ये सब अभी रास्ते पे ही है, अभी सासर हाट नहीं आए हम लोग, रास्ते ही पे है अभी। तो रास्ते में जो लगा गया उसका मैं दाम पूछ रहा हूँ। तो ये बैल जो सामने आपको ये नज़र आ रहा है, ये उसका 1 लाख बोल रहा है, और उसका पीछे वाला का 95 बोल रहा है। अब यहाँ पे जो जानवर है फ्रेंड्स, ये देखें, ये भाई इस जानवर का 36,000 बोल रहे हैं, 36,000। और यहाँ एक वाइट जानवर है, इसका चचा ने हमें दाम बताया है। माशाल्लाह जानवर बहुत खूबसूरत है, गोल गाल जानवर है, इसका चचा ने हमने 65 बताया है। ये देखें ये जानवर आपका 65 बताया है चचा ने। और भी आगे जाकर देखते हैं कैसे कैसे जानवर हैं यहाँ पे। ये एक छोटा सा जानवर, ये देखें, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े हैं। यहाँ पे एक और जानवर है, इसका भाई ने हमें 22,000 बताया है। ये 22 का जानवर है। माशाल्लाह से जानवर ठीक ठाक गोल गाल है। आप लोग आए यहाँ पे दाम वाम करें। अब हम लोग सासाराट की तरफ में जा रहे हैं। देखिए ये गली, वहाँ से दायना हम लोग मार रहे हैं, और ये आपका रास्ता सासाराट की तरफ में। मैं हम लोग सासाराट इन हो चुके हैं, मतलब ये सासाराट जाने वाला रास्ता है। यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पकड़ कर चलिए, अंदर सासाराट है। रास्ते में कुछ जानवर के दाम हम लोग करते हुए चलते हैं, देखते हैं कैसा कैसा जानवर है यहाँ पे भी। यहाँ देखिए कुछ जानवर यहाँ पे लगा कर रखे हैं, जो आसपास के घर के लोग हैं वो लोग अपने अपने जानवर को निकाल कर बाहर में रख देते हैं और दाम वाम कराते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे ये चचा, देखते हैं कितना बोलते हैं ये जानवर का। माशाल्लाह से जानवर तो गोल गाल है। इस जानवर का चचा ने हमें 42,000 बताया था, 42,000। इनके पास एक खस्सी भी थी जिनका इन्होंने बताया हमें 15,000। और आगे बढ़ते हैं, देखिए ये जानवर मुझे माशाल्लाह बहुत पसंद आया, और इसका दाम भी इन लोगों ने बहुत ही एक जेन्युइन दाम बोला। जानवर बहुत भारी है, मोबाइल में समझ नहीं आ पा रहा है, लेकिन सामने से माशाल्लाह जानवर बहुत खूबसूरत भी था, और बहुत ही अच्छे दाम में उन लोगों ने हमें बताया। ये जानवर आपका 50 का है, 50,000 का जानवर है जो उन लोगों ने बताया। बाकी दाम वाम कम करके वो कितना उतरेगा ये आपके ऊपर है और उस सेलर के ऊपर है। जानवर माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। ये देखें ये जानवर, कस्टमर्स लोग भी उनका दाम दर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और अंदर। हम लोग अभी सासाराट की तरफ में जा रहे हैं, और रास्ते में जो जो जानवर मिल रहे हैं हमें, उन लोगों का हम लोग दाम करा रहे, जो जो जानवर दाम कराने लायक लग रहा है हमें। यहाँ पे भी देखें एक जानवर है जिसका भाई ने हमें 35,000 बताया है। 35 का जानवर है। और ये वाला आपका, इसका भाई ने हमें 28 बताया है, 28,000। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कैसे कैसे जानवर हैं यहाँ पे। माशाल्लाह से एक चीज़ देखें कि यहाँ पे गांव का एक बहुत ही अच्छा सीनेरी है, तालाब वालाब सब है। यहाँ पे भी देखें एक जानवर का हमें बताया गया 25,000। ये एक ब्राउन कलर का जानवर है। और यहाँ पे एक जो छोटा जानवर है, इसका देखते हैं कि इन लोगों ने कितना बताया हमें। इसका हमें इन लोगों ने 22,000 बताया था। तो चलते हैं और रास्ता देखिए, माशाल्लाह कितना खूबसूरत रास्ता है, एक परफेक्ट एक गांव का सीनरी खींचा हुआ। यहाँ से कुछ जानवर ले जा रहे भी हैं, जो रास्ते में कस्टमर्स लोग के लिए लगाएंगे वो लोग। सब रास्ते में ऐसे लगा लगा कर वैसे बिक्री कर रहे हैं। ये देखें
इसका इस भाई ने हमें 36 बताया है। घर का पाला हुआ जानवर है, जितना जानवर यहाँ पे सब घर के पाले हुए हैं, कोई ऐसा ही नहीं है कि वैक्सीन वाला जानवर है, सब आपका देसी जानवर है। इसका भाई ने हमें 36,000 बताया है। और देखते हैं कि यहाँ पे भी एक जानवर है इस चचा के पास में, इस अंकल के पास में, देखते हैं अंकल ने इसका दाम हमें क्या बताया है। माशाल्लाह जानवर बहुत अच्छा है, मुल्तानी में है, बहुत खूबसूरत जानवर माशाल्लाह। इस जानवर का हमें चचा ने बताया था 25,000, ये 25,000 का जानवर है। और ये वाला जानवर जो है आपका 22,000 का है। और उसके पीछे जो आपको सफ़ेद वाला जानवर नज़र आ रहा है वो उसका हमें 19,000 बताया गया था। ये देखें, पहला वाला 25, ये 22, ये 19, और वो ब्लैक वाला भी, वो भी 19,000 का जानवर है। सब इसी चचा का जानवर है। तो हमें जैसा प्राइस बताया जा रहा है हम उसी हिसाब से आप लोगों को बता रहे हैं। अभी तक मैं आपको फिर से बोल दूं कि हम लोग अभी सासाराड अभी तक नहीं पहुंचे हैं, हम लोग अभी रास्ते ही में हैं। ये देखें फ्रेंड्स, अब हम लोग फिर से आगे बढ़ ले। खूबसूरती देखिए माशाल्लाह, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सासाराड का रास्ता माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी बहुत है यहाँ पर, और रास्ता भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। ये देखें सीनेरी, देखें कितना खूबसूरत सीनेरी है। ये आपको सासाराड जाने में ये रास्ते ही में आपको पड़ेगा ये सब सीनेरी। ये देखें फ्रेंड्स यहाँ पे, यहाँ देखें कितने सारे जानवर हैं यहाँ पे। कुछ जानवर को ले जाया जा रहा है, वो लोग को शायद आगे वैसे ही लगा कर उसको बिक्री किया जाएगा बांधकर। यहाँ देखें अब जानवर थोड़ा ज़्यादा दिखने लगा है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग अब हाट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। ये जानवर देखिए, ये हमें इसका 75 बोला जा रहा था, 75 का जानवर था वो। यहाँ देखिए कुछ छोटे छोटे जानवर है, ऐसा है कि यहाँ पे 8,000, 9,000, 10,000 का भी जानवर मिल जाएगा, छोटे छोटे बहुत सारे जानवर भी हैं। यहाँ देखिए इस भाई ने हमें इस जानवर का 28,000 बताया था। ये ब्राउन में है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जानवर। और यहाँ आप देखें एक जानवर है जिसका हमें बताया गया था 38,000, ये 38 का जानवर बताया जा रहा है, जिसका जो जानवर है वो अपने हिसाब से बता रही है। इस घर का बंदा था जो कलर कॉम्बिनेशन देखें, इसका हमें 90,000 बताया गया, 90,000। और यहाँ पे जो एक बैल, यहाँ पे भी एक बैल है ये, इसका देखते हैं हमें, इसका हमने 95,000 बताया गया। वो पहला काला वाला 90 का था, ये सादा वाला 95 का है। और ये वाला जो है आपका वो हमें बताया गया था इसका, इस जानवर का दाम 88,000, इसका 88,000 लोग बोल रहे हैं। यहाँ देखें वाइट कलर का एक जानवर। अब हम लोग बाइक से अंदर सासाराड की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी हम लोग रास्ते ही में हैं। यहाँ देखें मतलब जानवर रास्ते में भी लोग लगा लगा कर ऐसे बिक्री कर रहे हैं। यहाँ एक शायद ये वाला एक स्कूल था, बहुत ही खूबसूरत, मतलब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रहा है। ये सब आपको सासाराड जाने में मिलेगा। ये वाला जानवर देखें, वो आपका 75 में वो डन हुआ है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स के फाइनली हम लोग सासाराड पहुँच चुके हैं। और ये जो पोजिशन है यहाँ पर आप लोग अपना बाइक लगा सकते हैं, क्योंकि बाइक लेकर अंदर जाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, हार्ट बहुत ही भीड़ भड़का रहता है। इसलिए ये लोग बोलते हैं कि यहीं पे बाइक पार्किंग कर लिए आप लोग। बाइक पार्किंग का आपका 20 रुपये है। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैं सासाराड का जो भी गाय का जो भी प्राइस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट टू में आपको शेयर करता हूँ। बहुत ही जल्दी वो वीडियो आपको अपलोड करूँगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी भी दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।